हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा रेसिपी बता रही हूँ जो फटाफट से बनता है। सबसे पहले एक कटोरी हम सूजी लेंगे, बारीक सूजी रहे तो भी ठीक है, मोटा वाला रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन मेजरमेंट ध्यान रखिएगा। एक कटोरी सूजी है, मिक्सर जार में डाल लेंगे, जितना सूजी होगा उतना ही नाप का हम पानी भी डालेंगे, इसलिए उसी कटोरी से आप पानी भी डालिएगा। एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डालेंगे हम इसमें, स्वाद अनुसार नमक लगभग 2 टीस्पून हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने से हमारा स्पंजी बनेगा नाश्ता। ये नाश्ता ऐसा है जब कोई मेहमान आके घर में बैठ जाए तब आप बनाएं, फटाफट से बन जाता है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट चला लेंगे एकदम स्मूदी की तरह, और कोई चीज़ नहीं डालना है। बैटर इस तरह से तैयार होगा। अब इसमें हम चुटकी भर बेकिंग सोडा, चुटकी भर बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसे हमारा नाश्ता एकदम फ्लफी बनेगा, ब्रेड की तरह अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हो गया। इस सांचे में हमें सीस्टिंग करना है, उसमें हम ऑयल लगा लेंगे, जो भी चाहे आप बटर लगा लें, कोई रिफाइंड ऑयल लगा लें, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा नाश्ता आराम से निकल जाए। अब हम अपना इसमें बैटर पोर करेंगे। अब इसके ऊपर हल्का सा हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आप चाहे तो चाट मसाला भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये नाश्ता ऐसा है कि कभी भी कोई गेस्ट आए फटाफट से बन जाता है, और इजी टू सर्व, और खाने में भी उतना ही टेस्टी लाजवाब। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करेंगे। अब इसे हम स्टीमर में डाल देंगे। मेरे पास इडली स्टैंड है, उसी में मैं स्टीम कर रही हूँ। आप उसको भगोने में भी कर सकते हैं, चाहे कुकर में भी विदाउट विसल कर सकते हैं। इसको हम रख देंगे, संभल के गर्म रहता है। मीडियम टेम्परेचर पे इसे 10 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे, ढक के ढक देंगे। स्टीम होने के बाद देखिए हमारा नाश्ता कितना फ्लफी हुआ, मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। इस तरह से पलट लेंगे, देखें कितना जालीदार बना है। देखें अब इसको हम जिस भी शेप में आप चाहें काट सकते हैं, या पिज्जा की शेप में काट, बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है इस तरह का शेप में। आप चाहें तो जिस शेप में भी काट सकते हैं, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा रखें, हल्का गर्म ही रहे तब काटे तो आराम से कटेगा, एकदम ठंडा करके नहीं काटे। ये फटाफट से बनने वाला नाश्ता है, गेस्ट बैठे रहे तब आप बनाए, 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा नाश्ता बन के तैयार, डिलीशियस एकदम। फिर एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें लगभग 2 टीस्पून हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल नहीं रिफाइंड ऑयल। हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, अगर डाइट कॉन्शियस है तो ऐसे भी खा सकते हैं, टेस्ट में ख़राब नहीं लगता, बहुत टेस्टी लगता है। अब हम जब मारते हैं हल्का गर्म हो जाए तब कड़ी पत्ता और कुछ निकालने के लिए इस तरह से मैं चार करके फ्राई कर, हल्का 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा देर नहीं, बस सोलहापन आ जाए हमारे नाश्ते में, बस हम अब पलट लेंगे 1 से 2 मिनट के बाद। इस तरह से दूसरे साइड भी पलट के 1 से 2 मिनट के लिए हम हल्का सा फ्राई करें, हाई फ्लेम में नहीं, एकदम मीडियम फ्लेम में कीजिएगा, नहीं तो जलने लगेगा। हमारा दोनों साइड से सीख गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। लीजिए हमारा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता फटाफट से बन के तैयार। आप चाहे तो बच्चों को टिफिन या लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, एकदम हेल्दी। रात में स्टीम करके रख दें, सुबह फ्राई कर दें, नहीं तो सुबह भी फट से बन जाता है, 5 से 7 मिनट में तो बन जा रहा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा।